वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है यील्ड लाइन थ्योरी। और आज के इस वीडियो में हम यील्ड लाइन थ्योरी की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है ये समझेंगे, यील्ड लाइन थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यील्ड लाइन थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यील्ड लाइन थ्योरी के अजम्पशन क्या होते हैं, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो ये यील्ड लाइन थ्योरी की बेसिक थ्योरी से शुरुआत करते हैं, तो उसके प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी क्या कहती है, उसके अजम्पशन क्या कहते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यील्ड लाइन थ्योरी जो होती है वो होती है टोटली फॉर स्लैब। अब यील्ड लाइन थ्योरी अगर स्लैब के लिए है तो स्लैब के बेसिक टू डिफरेंसेस मान के चलते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। अब यील्ड लाइन थ्योरी से अगर हम समझें तो वन वे स्लैब मतलब जो टू साइड से सिंपली सपोर्टेड हो, एंड टू वे स्लैब जो चारों साइड से सिंपली सपोर्टेड हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हम वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के अंदर लेके चलते हैं। यील्ड लाइन थ्योरी में किसी भी स्लैब को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो डिज़ाइन का जो क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्लैब है और इसको हमने 40 किलो न्यूटन रखा है कि 40 किलो न्यूटन से अगर ज़्यादा लोड लगेगा तो ये इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो जो यील्ड लाइन थ्योरी के अंदर हमेशा जो डिज़ाइन किया जाता है उसके अंदर एक फैक्टर लोड 1.5 का वो हम एज अ सेफ्टी लेके चलते हैं कि जैसे 40 किलो न्यूटन का स्लैब है और उसको इसमें अगर अपना फैक्टर लोड मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 40 किलो न्यूटन इंटू 1.5 यानी 60 किलो न्यूटन इसका जो है 60 किलो न्यूटन तक का लोड ये स्लैब सह सकती है। इसके ऊपर अगर इस लोड लगेगा लाइक 62-63 तो उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जो यील्ड लाइन थ्योरी जो बेसिक है, यील्ड लाइन थ्योरी क्या है, तो उसे सीधा सीधा अगर समझें तो यील्ड लाइन थ्योरी मतलब कोलैप्स लोड, इसको एक सिंपल भाषा में ये समझा जा सकता है। अब यील्ड लाइन थ्योरी बेसिकली होती क्या है, यील्ड लाइन थ्योरी ये कोई स्लैब है अपने पास और इस स्लैब का ये टॉप व्यू है। अगर अपन उसको टॉप से देख रहे हैं तो क्रैक आने के बाद किसी भी स्लैब का कुछ इस तरह से दिखती है, ये कोई स्लैब है इसके अंदर क्रैक्स इस तरह से हैं। बेसिकली यील्ड लाइन मतलब क्रैक्स, मतलब किसी भी स्लैब में किसी कोई क्रैक्स बन रहे हैं तो वो यील्ड लाइन बन रही है। बेसिक बात ये कि यील्ड लाइन शो बेंडिंग मोमेंट, मतलब यील्ड लाइन जहाँ जहाँ बनेगी वहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट शो होगा, फिर वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो सकता है या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव यील्ड लाइन है या नेगेटिव यील्ड लाइन है। एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई स्लैब है और ये चारों साइड से फिक्स्ड है। एक बात हमेशा याद रखना, यील्ड लाइन के ऊपर जब भी कोई डायग्राम यील्ड लाइन से रिलेटेड आते हैं कि इसे बनाना है, डायग्राम बनाना है यील्ड लाइन का, कैसे इसके अंदर यील्ड लाइन बनेगी, उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। बट उसके अंदर अगर कोई भी स्लैब चारों साइड से फिक्स्ड है तो उसके अंदर एक डैश डैश करके यील्ड लाइन और बनती है, ये तो बनती है यील्ड लाइन इसके कॉर्नर से, तो बट एक डॉट 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 करके एक यील्ड लाइन और बनती है अगर चारों साइड से फिक्स है तो। ये जो डॉट 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 करके यील्ड लाइन होती है ये होती है नेगेटिव यील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, एंड ये जो अंदर की साइड यील्ड लाइन बनती है ये होती है पॉजिटिव यील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमें एक थ्योरी के हिसाब से हम लिख सकते हैं अगर यील्ड लाइन का 8 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर। अब बात करने जा रहे हैं यील्ड लाइन के प्रिंसिपल के बारे में कि यील्ड लाइन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो यील्ड लाइन का प्रिंसिपल ये कहता है टू लोकेट द लोकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट यील्ड लाइन, मतलब किसी भी स्लैब के अंदर ये लोकेट करता है यील्ड लाइन को कि कहाँ कहाँ यील्ड लाइन बन रहा है, मतलब यील्ड लाइन की लोकेशन को ये लोकेट करता है, इसका प्रिंसिपल। अब यील्ड लाइन की थ्योरी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यील्ड लाइन एनालिसिस इज कंडक्ट बेस्ड ऑन द कोलैप्स लोड, कोलैप्स ऑफ द ऑफ स्लैब अंडर दिस लोड क्रैक्स आर फॉर्म्ड, मतलब यील्ड लाइन जो होती है वो पूरी तरीके से कोलैप्स लोड, किसी भी स्लैब के कोलैप्स लोड पे बेस्ड होती है। इस लोड के अंडर में क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं यानी कि यील्ड लाइन बनना शुरू हो जाती है। नंबर टू इज दिस क्रैक फॉर्मेशन इज सीन इन अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लैब एंड द यील्ड लाइन थ्योरी कंसिडर ओनली अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो क्रैक फॉर्मेशन होते हैं ना वो हमेशा होते हैं अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट के अंदर। कोई भी स्लैब होती है अगर वो अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लैब है तो उसी के अंदर क्रैक फॉर्मेशन होंगे, तो जब क्रैक फॉर्मेशन होंगे तभी तो यील्ड लाइन बनेगी, मतलब जो यील्ड लाइन होगी यील्ड लाइन थ्योरी वो कंसिडर होगी किसके अंदर, अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट है उसके अंदर। नंबर थ्री इज एज द क्रैक्स प्रोपोगेट द यील्ड लाइन स्टार्ट टू डेवलप, मतलब जैसे ही क्रैक्स बनना किसी भी स्लैब में शुरू हो जाएंगे यील्ड लाइन बनना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यील्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं जो जो पॉइंट यील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ उसे आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। ये नॉर्मली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो यील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं या यील्ड लाइन के अजम्पशन पूछ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। नंबर वन इज़ यील्ड लाइन आर स्ट्रेट, यील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा सीधी होती है। नंबर टू, यील्ड लाइन ऑल्सो डिनोट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्लैब एलिमेंट। नंबर थ्री, यील्ड लाइन एंड्स एट सपोर्टिंग एज ऑफ स्लैब और एट अनदर यील्ड लाइन। मतलब ये है कि जैसे ये कोई स्लैब है तो यील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुई, या तो ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर ख़त्म होगी या ये यहाँ से शुरू होकर किसी दूसरी यील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर ख़त्म होगी। नंबर फोर पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई अलोंग द यील्ड लाइन ऑफ सपोर्ट्स। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो यील्ड लाइन के साथ साथ होता है। एट द फिक्स सपोर्ट नेगेटिव मोमेंट डेवलप ड्यू टू नेगेटिव यील्ड लाइन एंड एट पॉजिटिव मोमेंट साइड पॉजिटिव यील्ड लाइन डेवलप। मतलब जहाँ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पर नेगेटिव यील्ड लाइन बनेगी और जहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पर पॉजिटिव यील्ड लाइन डेवलप होगी। अजम्पशन ऑफ यील्ड लाइन थ्योरी, कि यील्ड लाइन थ्योरी के अजम्पशन क्या होते हैं, क्या अजम्पशन माने गए हैं यील्ड लाइन थ्योरी के, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं जो बैक टू बैक मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। अगर यील्ड लाइन की थ्योरी पूछ रहा है तो वो अजम्पशन पूछेगा ही पूछेगा या कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा। बट ये आपके बीटेक कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आप एमटेक में चले जाते हैं तब भी यील्ड लाइन का टॉपिक आता ही आता है। तो क्या कहते हैं अजम्पशन ऑफ यील्ड लाइन के, ऐसा डायग्राम बनता है, ये चारों साइड से फिक्स्ड है, ये यील्ड लाइन बन रही है, देन ये फिक्स्ड, देन दिस इज नेगेटिव यील्ड लाइन, देन एट सेंटर इट इज़ पॉजिटिव यील्ड लाइन। तो पहला पॉइंट कहता है एट द कोलैप्स स्टेज द स्टील रेनफोर्समेंट विल बी फुल्ली यील्डेड अलोंग द यील्ड लाइन। मतलब कोलैप्स स्टेज जो होती है उसमें जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है वो फुल्ली यील्डेड होता है यील्ड लाइन के साथ साथ। नंबर टू इज ड्यूरिंग द कोलैप्स द स्लैब इज डिफॉर्म प्लास्टिकली। मतलब जब कोलैप्स होता है जो स्लैब होती है ना वो उसका जो डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिकली होता है। अलोंग द यील्ड लाइन देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग। मतलब यील्ड लाइन के साथ साथ जो बेंडिंग मोमेंट जो बेंडिंग जो होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, मतलब सब जगह एक साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन यील्ड लाइन थ्योरी ओनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड द इलास्टिक डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्ट। मतलब यील्ड लाइन थ्योरी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को अपन काम में लेते हैं एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। द यील्ड लाइन आर लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हैंस दे विल रिमेन स्ट्रेट। मतलब जो यील्ड लाइन होती है वो किसी भी दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो इसलिए ये हमेशा स्ट्रेट होती है।